आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एक ब्यूटीफुल फॉलियज प्लांट जो जिसका नाम है एशियाटिक जैस्मिन, जिसे हम स्नो इन समर और एशियन स्टार जैस्मिन, पिंक आईवी, वेरीगेटेड एशियाटिक जैस्मिन आदि नामों से जानते हैं। ये प्लांट मोस्टली ग्राउंड कवर के तौर पर यूज़ की जाती है, क्योंकि ये प्लांट एक वाइन है तो आप इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आते हैं प्लांट की केयर पर। ये प्लांट सेडी एरिया पर ग्रीन बन जाता है और आप अगर इसे फुल सनलाइट पर रखेंगे तभी ये जो वेरिगेशन है तब शो करता है। पिंक कलर और वाइट कलर के लिप्स इसमें से निकलने लगते हैं। मैंने कुछ दिनों के लिए ये प्लांट जो है सेडी एरिया पर रख दिया था तो सारे पत्ते ग्रीन हो गए। फिर से मैंने इसे सनलाइट पर रखा तो ये देखिए नया नया फोलियज निकलने लगा है जो कि कलरफुल है। इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। जब भी आप कोई भी प्लांट पॉट में लगाएंगे तो उसे वेल ड्रेन सॉइल देना ज़रूरी है। जब मैंने ये प्लांट ख़रीदा था तो इसकी हालत कुछ इस तरह की थी, तो मैंने इस पर थोड़ा सा और कंपोस्ट ऐड किया तो ये प्लांट देखिए कितना हरा भरा और पूरा पॉट भर चुका है। इस प्लांट को रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है और इसे बहुत ही रिच सॉइल चाहिए। इसकी मिट्टी जो है मैंने बनाई थी कोकोपीट सैंड समान मात्रा में ली थी, और कोकोपीट सैंड और भर्मी कंपोस्ट तीनों की मात्रा मैंने समान रखी थी और थोड़ा सा गार्डन सॉइल ऐड कर दिया था। ये देखिए पूरा पॉट पूरी तरह से भर चुका है। इस प्लांट को रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। आप इसे पूरी तरह से ड्राई होने मत दीजिएगा। स्प्रिंग से लेकर समर तक इसकी ग्रोइंग सीजन है तो आप इस पर कभी भी फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। फर्टिलाइज करने के लिए आप कोई भी नाइट्रोजन रिच गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या टी लिप्स आप इस पर ऐड कर सकते हैं। इसे प्रोपेगेट करने के लिए आप डायरेक्टली कट करके नहीं लगा सकते, बस इसके जो ब्रांच है उसे थोड़ा सा मिट्टी में दबा कर रख दीजिए। एक दो महीने में इसमें से रूट निकल आएगा, फिर इसे कट करके आप दूसरे पॉट पर शिफ्ट कर सकते हैं या इसी पॉट पर रख सकते हैं। इस तरह से आप इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। इस प्लांट पर छोटे छोटे जैस्मिन फूल की तरह ही बहुत खुशबूदार फूल आते हैं, इसलिए शायद इस प्लांट का नाम जैस्मिन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।